Good morning, student. I am Mrs. Supriya from Premchand Memorial School. Student, today we are doing chapter 11, that is time and temperature, from your math textbook. I request you all, please open page number 109. Done, student? Now, very good. Now, let's start the chapter. In this chapter, we are going to focus on addition and subtraction of time, duration of time, reading timetable, temperature, conversion of temperature in degree Celsius to temperature in Fahrenheit, and vice versa. Okay, now let's start the addition and subtraction of time. अब आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि मैंने एक तरफ एडिशन सॉल्व कर रखा है और एक तरफ सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर रखा है. स्टूडेंट, जैसे कि हम पहले लेंथ यूनिट, वेट यूनिट सब करते थे, अब वैसे ही हमें आवर्स यूनिट, मिनट यूनिट और सेकंड्स यूनिट करता है. हम टाइम को तीन चीज़ों में बांटते हैं, आवर्स में, मिनट्स में एंड सेकंड में. तो मेरे पास था 7 hours 36 minutes 42 seconds, तो मैंने उसको करा एट 8 hours 40 minutes 38 seconds. अब आप देख रहे होंगे मैंने सेकंड्स को सेकंड के नीचे, मिनट को मिनट के नीचे एंड आवर्स को आवर्स के नीचे ही लिखा है. एंड आई गॉट 16 hours 17 minutes 20 seconds. लाइक दिस सब्ट्रैक्शन में भी मुझे करना है, आवर्स को आवर्स में, सेकंड को सेकंड में, मिनट को मिनट में. एंड आई हैव 12 hours 30 minutes 25 seconds. जो बड़ा है वो ऊपर, जो छोटा होगा नीचे. फिर उन्हें मैंने सब्ट्रैक्ट किया एंड आई हैव गॉट 5 hours 39 minutes 45 seconds. Is it clear, students? Clear? Very good. Now, let's talk about the other subtraction. अब ये subtract मैंने कर रखा है, कैसे कर रखा है बच्चे? I was having 12 years 66 months from 18 years. अब मुझे 12 साल को 6 महीने से subtract करना था और I was from 18 years. तो मैंने क्या करा, 18 year का एक साल ले लिया. वो अगर उसमें से लेने के बाद मेरे पास क्या बन गया बच्चे, मेरे पास 17 इयर्स रह गए और 12 months. 1 year is equal to 12 months. तो मैंने डायरेक्टली उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ आई वाज हैविंग 17 years 12 months, सब्ट्रैक्टिंग 12 years 6 months एंड आई हैव गॉट 5 years 6 months. गॉट इट स्टूडेंट? वेरी गुड. अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बोरो करके वहाँ पर अपनी दूसरी वैल्यू बना ली. और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, 1 year is equal to 12 months, 1 hour is equal to 60 seconds. ओके, एंड 60 seconds is equal to 1 minute. ओके, नाउ ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया हुआ है बच्चे, देखो. अब जैसे मेरे पास था, आई हैव टू ऐड 8:15 AM to 10:30 AM. 10:30 इज़ बिगर, तो मैंने ऊपर लिख दिया 10 hours 30 minutes है और नीचे 8:15 मैंने सब्ट्रैक्ट किया. नाउ आई गॉट इन दोनों के कितने घंटे हुए, 2 hours 15 minutes. ऐसे ही जब मैंने इस ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट किया, आई हैव गॉट 8 में से जब 6:35 को सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट 1 hour 25 minutes. द ड्यूरेशन इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी. ड्यूरेशन क्या होती है बच्चे, जिसमें हमने पूरा टाइम अपना कंप्लीट किया है कोई भी एक्टिविटी. वी बोरो 1 hour और 60 minutes. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2. इन दिस माय स्कूल स्टार्ट एट 7:10 AM एंड क्लोजेज एट 2:15 PM. फाइंड द वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल. फर्स्ट कन्वर्ट द टाइम इनटू 24 आवर्स. ओके, हमने 24 घंटे का दिन होता है बच्चे. अब उसको हमने डिवाइड कर लिया AM और PM, 12 घंटे हो गए. अब 7:10 AM मतलब कितना हो गया बच्चे, 7 hours 10 minutes. कितना हो गया, 7 hours 10 minutes. अब 2:15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 hours हो गए बच्चे, क्योंकि PM आ चुका है. 12 plus 2:15 मतलब वी गॉट
14 hours 15 minutes. ओके, तो अब मैंने उनको सब्ट्रैक्ट किया. आई हैव गॉट 7 hours 5 minutes एट द वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल. अंडरस्टूड स्टूडेंट? हाउ आई गॉट द वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल? नाउ रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ टाइम आर गिवन बिलो. हम उनकी रिलेशनशिप देखते हैं. नीचे 60 seconds जो कि मैंने बताया था इज इक्वल टू 1 minute. 42 weeks, पूरे कितने वीक्स होते हैं बच्चे एक साल में? हफ्ते होते हैं 52. 1 year 7 days इज इक्वल टू 1 week. 10 decades इज इक्वल टू 1 century. और 365 और 366 days मतलब लीप ईयर कितना होता है? 1 year. 24 hours इन अ 1 day. एंड 100 years इज इक्वल टू 1 century. एक सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं बच्चे? 100 year होते हैं. 12 months इज इक्वल टू 1 year. और 12 months में एक साल होता है. 60 minutes इज इक्वल टू 1 hour. 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 hour. 10 years इज इक्वल टू 1 decade. अब 8 decade में कितने होते हैं? 10 years. और 32-31 days होते हैं 1 month में. एक फरवरी इज द मंथ इन विच वी हैव ओनली 28 days. अंडरस्टूड स्टूडेंट? आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेस 11 point A and 11 point B. आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. देन ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन you can text me. Okay, all the best for your given assignment, students.